दोस्तों मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों आज हम जो है सीएनसी मशीन सीएनसी टर्निंग सेंटर के टूलिंग्स के बारे में जानेंगे कि टूल्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं हमारे। तो टूल्स में आज जो है हम टूल होल्डर जो होगा आपका वो बोरिंग बार्स और इंसर्ट्स। तो इन तीन चीज़ों में जो है सबसे पहले हम इंसर्ट्स के बारे में जानेंगे कि इंसर्ट्स किस टाइप के होते हैं, इंसर्ट्स का डेजिग्नेशन क्या है, इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर क्या है, इंसर्ट को पहचाना कैसे जाए, तो उसके बारे में हम पूरा समझेंगे। तो पहले हम पकड़ेंगे इंसर्ट को, उसके बाद आएंगे टूल होल्डर पे, उसके बाद आएंगे बोरिंग बार्स पे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले होगा इसमें एक एक्सटर्नल टूल होल्डर्स ओडी पे करने के लिए, जो आउटर डायमीटर पे कटिंग करेंगे, जो बाहरी वाले जो सतह पे हम काम करेंगे, तो उसके लिए क्या एक्सटर्नल टूल होल्डर होगा। तो उसे एक्सटर्नल टूल होल्डर हो गया। सेकंड हमारा हो गया इंटरनल टूल होल्डर। दोस्तों आईडी में जो काम करेंगे, जो बोरिंग बोर में जो काम करेंगे, जो बोरिंग बार्स यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरनल टूल होल्डर। इंटरनल टूल होल्डर में बेसिकली जो है ना, इसको हम जो है बोरिंग बार्स का ही यूज करते हैं, इसे हम बोरिंग बार्स बोलते हैं। तीसरा है हमारा इंसर्ट्स। अब ये इंसर्ट्स क्या है, जो कटिंग करेगा, जो बिट होगा हमारा, जो बिट होते हैं हमारे कटिंग करने के लिए, ये सब इंसर्ट्स है। दोस्तों ये इंसर्ट्स यूज है। अब इसमें थ्रेडिंग का जो है वो भी इसी में सम्मिलित होगा, इसी में मिक्स है, वो मैं बता दूंगा आपको टाइम पे, ठीक है। तो आज दोस्तों हम इंसर्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे इंसर्ट के बारे में, उसके बाद आएंगे हम टूल होल्डर पे, उसके बाद आएंगे हम बोरिंग बार्स पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सिक्वेंस में बताऊँ आपको। मैं जो हूँ आपको केवल बुकिश नॉलेज जो है, किताबी नॉलेज नहीं दूंगा। जो मेरी जो वीडियो है, जो मेरा जो मेन फोकस है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, कि मैं आपको प्रैक्टिकल समझा पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले इंसर्ट समझेंगे, इंसर्ट के बाद टूल होल्डर बहुत ज़्यादा बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा हमको। तो पहले जो है इंसर्ट के बारे में समझेंगे हम। दोस्तों मैं मिटा देता हूँ ये, इंसर्ट्स। दोस्तों जो इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर है, इंसर्ट को समझने के लिए बहुत ही इजी है, आज मैं आपको यहां बताऊंगा, इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके पास कि कैसे है, क्या है, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। तो बहुत बढ़िया से समझाने वाला हूं मैं आपको। तो आइए, इंसर्ट्स में हमारी डेजिग्नेशन क्या होती है, कोई भी इंसर्ट होगा ना, कुछ भी होगा, तो ऐसे लिखा होगा WNMG 08 06 04। इसके बाद कुछ भी ऐसे लिखा होता है GMT MT PTS व्हाटएवर जो भी है, और उसके बाद लिखा होगा PL 20 25, इस तरीके से लिखा होता है दोस्तों। तो ये जो चीज लिखा हुआ, ये है क्या चीज, समझे क्या है इसका मतलब। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, पहले मैं आपको जो है W से समझाऊंगा, पहले मैं अभी ये सारी चीजें समझाता हूं आपको। दोस्तों इसमें दो चीज आप समझ लेना, सबसे पहला ये जो चीज है ये GM और ये आपका PL, दोस्तों जो इंसर्ट्स हैं या टूल्स वगैरह है, इसे बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं, सैकड़ों, जो इंडियंस भी है और जो बाहर की भी है, बाहर बहुत ज्यादा है, बाहर की कंपनीज के टूलिंग्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आजकल ताइवान के भी काफी टूल्स आ गए हैं, तो उनके भी यूज होते हैं। ये जो GM जो है ना दोस्तों, ये GM क्या है, ये इंसर्ट्स की ज्योमेट्री है।
कई बार आपने सुना होगा चिप ब्रेकिंग ज्योमेट्री है, चिप को तोड़ देगा ये फिनिशिंग के लिए ज्योमेट्री है। तो ये ज्योमेट्री बेसिकली है क्या, ज्योमेट्री जो है ना एक इंसर्ट का जो है ना एक छोटा सा एक उस पर डिजाइन बना देते हैं, उस पर एक टेक्चर बन जाएगा उसके ऊपर, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जितनी भी टूल कंपनीज है बनाने वाली, वो क्या करती है अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज करेगी उसमें, कभी कोई डिजाइन बना देगी, कभी कोई डिजाइन बना देगी, हमें खुद भी नहीं पता, प्रोग्रामर्स को भी नहीं पता क्या है नहीं है। वो केवल कंपनी दावा करती है कि हमारी ये ज्योमेट्री है, ये बहुत बढ़िया है, ये चिप ब्रेकिंग करेगी, ये फिनिशिंग करेगी, हमें भी नहीं पता क्या है नहीं है वो। तो वो टूल्स टू टूल्स जो है वेरी करता है आपका। मैं आपको ज्योमेट्री दिखाऊंगा, ये जो है ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री ऑफसेट नहीं है दोस्तों, ये ज्योमेट्री है। मैं दिखाऊंगा अभी ज्योमेट्री क्या है। और ये पीएल जो है, ये आपकी जो इंसर्ट है, इंसर्ट का ग्रेड है। अब मटेरियल हमारा अलग अलग आएगा, नॉन फेरस भी आएगा, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एमएस हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, एसएस हो गया, स्टेनलेस स्टील है हमारे पास, डिफरेंट मटेरियल है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या है कि डिफरेंट टाइप के इंसर्ट्स हैं। अब इंसर्ट्स क्या है, इंसर्ट जो है WNMG 00604 है, बट किसके लिए है ये, या तो एसएस के लिए है, या एल्युमिनियम के लिए है, या ब्रास के लिए है, या ब्रॉन्ज के लिए है, या स्टेनलेस स्टील के लिए है, या एसएस वगैरह किसके लिए है। इंसर्ट तो है लेकिन किस मटेरियल पे चलाएंगे हम, तो मटेरियल पे चलाने के लिए क्या है, इंसर्ट की ग्रेड आती है। तो ग्रेड में क्या है, जैसे मैंने यह लिख दिया है, वैसे हर कंपनी का, सैकड़ों कंपनी है भाई भाइयों, सैकड़ों कंपनी है, बहुत सारा इस पे मतलब रिसर्च किया हुआ है, काफी सारे टूल्स बना रखे हैं। तो ये एक मैंने सैम्पलिंग के लिए लिख दिया है। ये तो कोई कंपनी कुछ बना रही है, मैं कंपनी का नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ पे, तो नहीं ग्रेड बना दिया, तो बताते हैं भाई फलाना फलाना ग्रेड है, ये आप जो एसएस पे चलाइए, एसएस के लिए बनाया हुआ है, कंपनी ने एसएस के लिए डेवलप किया हुआ है। तो ये ग्रेडिंग है ये हमारी। आप पूछेंगे सर हमें कौन बताएगा ग्रेड कौन है क्या नहीं है कैसा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारा काम जो है प्रोग्रामिंग करना है, इंसर्ट्स का टूल की सेटिंग करनी है। ये जितने भी टूल प्रोवाइडर्स होते हैं, जो टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें बताएंगे हमें ये काम करना है, तो वो अपने आप जो है आपको रेफर करेगा। जैसे मेडिकल शॉप पे जाते हैं हम, बोलते हैं मेडिकल शॉप वाले को कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये हम डॉक्टर को जाके बताते हैं, तो क्या करता है फिर वो हमें दवाई देता है उस हिसाब की। तो हम उसको बताएंगे कंपनी को, या कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है कि भैया हमें पर्टिकुलर काम करना है, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा ग्रेड चाहिए। अब जैसे मेरे को काफी टाइम हो गया, तो मुझे तो पता है मुझे कौन सी कंपनी और कौन सा ग्रेड यूज करना है, तो मैं तो उस चीज को कॉल कर लूंगा। बट जब किसी को नहीं पता होता, तो वो उनसे पूछता है कि आप बताइए कि कौन सा ग्रेड यूज किया जाए इसमें। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को भी मतलब ऐसे उठाया और अपने आप बोल दिया कुछ भी। तो ये ग्रेडिंग पर्पस है, ये ग्रेड अलग चीज है, तो ये ग्रेड है। ये दोस्तों मैं आपको ना पहले सबसे पहले ज्योमेट्री और ग्रेड का जो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये बेसिकली है क्या चीज। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली इंसर्ट को इंसर्ट दिखाता हूं। मैं आपको दोस्तों ये इंसर्ट आप देखिए, इस इंसर्ट पे जो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है, ये देखिए धारी सी जो है ना, ये इस तरीके की, ये इसकी ज्योमेट्री है। कंपनी का ये दावा होता है, कंपनी ये क्लेम करती है कि जब ये कटिंग करेगी ये एज, या ये एज कटिंग करेगी आपकी, तो यहाँ पे जो है चिप ब्रेक हो जाएगा टकरा के इससे। तो ये क्या डिजाइन है, ये डिजाइन जो होता है इंसर्ट जो है, इंसर्ट हमारी ये WNMG है, बट ये ज्योमेट्री देखिए, ये चीज एक अलग चीज बन गई, इसे ही ज्योमेट्री कहती है कंपनी। अब मैं आपको दूसरा इंसर्ट दिखाऊंगा इसी पे सेम, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इसने इस पे कैसे डिजाइन बना रखा है, ये देखिए कैसे कैसे डिजाइन ऊपर बना रखी है। देखिए इंसर्ट क्या है, इंसर्ट है WNMG है, ठीक है ना, तो है WNMG, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो गई है इसकी। और इस वाले की देखिए आप, इस वाले की ये इस तरीके से, और इस वाले का डिजाइन देखिए दोस्तों, ये WNMG है। अभी आगे हम नॉमिनक्लेचर पढ़ेंगे। अब यहां आप ये कंफ्यूज होगा यार ये इतनी बड़ी क्यों है, छोटी क्यों है, तो वो साइज वाला मैटर है कि साइज क्या है, चीज जो है हमारा एक ही है वो, लेकिन साइज अपना अलग अलग है। तो ये साइज का मैं अभी बाद में आएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप, मैं अभी आपको केवल ज्योमेट्री बता रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए ज्योमेट्री है, काम दोनों एक ही करेगी अभी भी,
अब मैं एक तीसरी दिखाता हूं आपको, ये दूसरी दिखाई थी मैंने, अब आप ये देखिए तीसरी वाली। ठीक है, अलग है ये ज्योमेट्री है। तो दोस्तों आपने यहां देखा कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री जो है अलग डिजाइन बना हुआ है उसके ऊपर, इंसर्ट के ऊपर डिजाइन है वो, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। और डिजाइन बना और कंपनी क्लेम करती है कि हमारा ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो है ये आपका चिप ब्रेक करेगी, जो बुरादा आपका छिलेगा, जो टर्न होगा कटिंग करते हुए मशीनिंग करते हुए, तो वो लिपटेगा नहीं, वो टूट के गिर जाएगा नीचे को, या ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री है तो फिनिशिंग में काम करेगी। फिनिशिंग में क्या होगा कि चिप ब्रेक हो जाएगा और वो आपके कंपोनेंट पे चिपकेगा नहीं, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये कंपनी का अपना दावा है, तो इसी को ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये ज्योमेट्री जो है हर कंपनी का अलग लिखा हुआ आएगा, GM, LM, TM, PM, KM, बहुत सारे हैं ये, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये PL 2025 लिख दिया है, ये कंपनी का ग्रेड है, कंपनी कहती है भैया ग्रेडिंग है मेरी, ये पर्टिकुलर आप SS पे चलाओ बहुत बढ़िया लाइफ देगी ये, बहुत अच्छा है ये। दूसरी कंपनी कहेगी जी ये हमारा ले लो इंसर्ट, ये 5000 पीस बनाएगा एक एज, एक कोना। दूसरी कहेगी 10000, कोई कहेगा 25000 बनाएगा। सब कंपनी अपना अलग अलग क्लेम करती है अपने ग्रेड के ऊपर, तो ये ग्रेड सबका अलग अलग है। ये कोटिंग है एक तरीके की, जो इंसर्ट पर कोटिंग होती है ना, वो ग्रेडिंग है इंसर्ट की ये। अब मैं आपको ये कोटिंग भी दिखाता हूँ कि कोटिंग कैसे डिफरेंट है ये। दोस्तों ये देखिए आप, ये दो इंसर्ट है हमारे पास और दोनों ही ये WNMG है। अभी बताऊंगा आगे WNMG क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों WNMG है, लेकिन देखिए एक काले कलर में और एक जो है किसमें है, ये गोल्डन में। तो ये इसके ऊपर ये कोटिंग है, ये ग्रेड है इंसर्ट का ये हमारे, तो इसी को जो है ग्रेडिंग बोला जाता है। ग्रेड क्या है, तो कोई कहेगा भैया सर ये वाला इंसर्ट चला लो, ये आपके लिए SS के लिए बढ़िया है। कोई कहेगा जी नहीं सर ये आप MS पे चला लो, या ब्रॉन्ज या ब्रास पे चला लो। तो दैट इज कॉल्ड अ कोटिंग, ये ग्रेड है इंसर्ट का। ओके, और दोनों ही WNMG इंसर्ट है ये। दोस्तों आप ग्रेड के बारे में भी जान चुके हैं और ज्योमेट्री के बारे में भी जान चुके हो। अब हम जो है हम आते हैं इंसर्ट के ऊपर। ये इंसर्ट जो है ये ऐसे लिखा हुआ ये है क्या, ठीक है। तो जो ये पहला पार्ट है ये वाला, दोस्तों ये पहला वाला पार्ट है, ये बताता है कि इंसर्ट जो है हमारी उसका शेप क्या, उसका आकार क्या। आपने देखा कोई इंसर्ट गोल है, कोई तिकोनी है, कोई स्क्वायर है, ठीक है, अलग अलग शेप में देखे होंगे, अलग अलग आकार में। तो पहला वाला जो ये W है ये आकार बताता है कि हमारा आकार क्या है इंसर्ट का, W, ठीक है। ऐसे में बहुत सारी चीज लिखी आती है, मैं आपके पास दिखा देता हूं। WNMG, CNMG, TNMG, DNMG, VNMG। अब आप देख रहे हो कि शुरू का जो W है ये चेंज हो गया, C, T, D, V, ये सब क्या है, ये इंसर्ट का शेप है, हमारे आकार है इंसर्ट का ये। अब आपको सर आकार आकार में कैसे समझे हुई है, आकार कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो W वाला शेप है ना, उसका जो एंगल है हमारे कटिंग एज का, वो 80 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने इंसर्ट आपको दिखाई थी वो WNMG है हमारी। उसके बाद C जो आएगा होता है हमारा, ठीक है। T जो है उसका 60 डिग्री होता है। T से आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि क्या है, ट्राइगोनल है, ठीक है। ट्राइगोनल मतलब कि तीन इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो जो टी जो है हमारा क्या है, 60 डिग्री एंगल है टी, ठीक है। फिर आएंगे हम डी पे, तो डी हमारा कितना है, 55 डिग्री। तो डी में इंसर्ट कैसे बन जाती है, डी में इंसर्ट दोस्तों कुछ कुछ ऐसी होगी आपकी, ये होल है इंसर्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ये 55 डिग्री होता है आपका, ये V जो है VNMG ये 35 डिग्री है हमारा।
वीएनएमजी भी डीएनएमजी की तरह होती है, लेकिन थोड़ी पतली होती है वो भी कुछ कुछ ऐसे होगी आपकी। ये 35 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये 35 35 है, ये 55 डिग्री है, 60 डिग्री है, सी एन एम जी 80 डिग्री है। सी एन एम जी इंसर्ट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक इस तरीके से होती है सी एन एम जी। स्क्वायर स्क्वायर शेप तो नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग स्क्वायर शेप जैसा ही होता है वो। तो ये देखेंगे आप, तो ये हमारी सी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना, हम जो पहला वाला जो परफॉर्म आई है, पहला वाला जो ये है, ये जो फर्स्ट जो दिखा रखा है, ये क्या है? ये शेप ऑफ इंसर्ट है, कि इंसर्ट की शेप क्या है हमारी, जो इंसर्ट की शेप है वो डिफाइन करेगी वो पहला वाला। ये पहला पॉइंट जो है, ये शेप ऑफ इंसर्ट है ये। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि रफिंग में जो है मोस्टली जो है डब्ल्यू एन एम जी, टी एन एम जी और सी एन एम जी, ये तीन इंसर्टें ज्यादा यूज होती हैं। ओके, अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको नापेंगे या कुछ चेक करेंगे ना, उसे चेक करने के लिए। वो तो आप यूज करोगे ना, तो आपको सामने धीरे धीरे आने लगेगा, आप अपने आप देख के बता दोगे ये डब्ल्यू एन एम जी है जी, ये सी एन एम जी है, ये टी एन एम जी है। अभी तक तो आपको कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, तो अब आगे से आपके सामने जब भी इंसर्ट आएगी आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये कौन सी इंसर्ट है। तो पहला वाला जो शेप, पहला वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये शेप ऑफ इंसर्ट है। देख लीजिए, ये मैंने बनाया टी एन एम जी का शेप, ये बनाया डी एन एम जी, ये बनाया वी एन एम जी और ये बनाया सी एन एम जी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादा मोस्टली जो है यही यूज होंगे। डब्ल्यू एन एम जी को सबसे पहले हमने क्या कहा? शेप ऑफ इंसर्ट। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा, इसका आप कैटलॉग चाहेंगे कि मेरे को कैटलॉग मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए टूलिंग्स के बारे में। तो जो मैं देखो, किसी कंपनी का तो नाम लूंगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सबसे पहले जाओगे अपने वेब ब्राउजर में और वहां टाइप करोगे ठीक है, और आप मारोगे एंटर, एंटर मारोगे तो ये साइट खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, गूगल के बारे में बता दूं आपको, कि गूगल जो है, गूगल पे आप जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो, दुनिया की कोई भी चीज है सब चीज के बारे में पता लग जाएगी। जैसे आज के तारीख में यूट्यूब पे आपको कुछ ही पता लग जाता है ना, वैसे गूगल में आप किसी चीज की भी जाके नॉलेज ले सकते हो। आज की तारीख में कोई इंसान किसी पर डिपेंड नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप इंटरनेट पे जाओ और google.com जो है उसको क्लिक करो, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और जब ये वेबसाइट खुलेगी ना, तो यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना हुआ आएगा, ये जो बॉक्स है ये सर्च बॉक्स है, इसमें आप जो टाइप करोगे ना वो चीज जो है गूगल ढूंढ के आपको सामने पटक देगी एकदम से। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है फ्री सी एन सी टर्निंग टूलिंग पीडीएफ। ठीक है, ये आपको टाइप करना है, देख लीजिए ध्यान से आप। ये टाइप करके फिर वहां पे एक ऐसे साइन बना हुआ आया है ये इस तरीके से। ये क्या है, ये इस पे हो या ना हो, लेकिन यहां पे सर्च ऑप्शन होगा, सर्च होगा, या आप एंटर मार देना, या एंटर। दोस्तों काफी भाइयों को मालूम होगा, बट बता रहा हूं मैं, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए हेल्पफुल है ये, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ऐसे एंटर मारेंगे, सर्च मारेंगे, तो क्या होगा, टूलिंग की जितनी पीडीएफ है ऑनलाइन आ जाएंगे आपके सिस्टम पे ही, चाहे आप लैपटॉप से करें, चाहे अपने मोबाइल फोन से करें, स्मार्टफोन से, चाहे आप कहीं भी करें पीसी पे। तो वो काफी सारे लिंक्स जो है वो ढूंढ के आपको पटक देगा सामने, सामने ला देगा सारा। उस आप ओपन करके देखना,
वहां पे काफी सारे फॉर्मेट जो पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, उसमें टूलिंग के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि डब्ल्यूएनएमजी का मतलब है, सीएनएमजी क्या है, टीएनएमजी 16.04.08 क्या है, 12.04.08 क्या है, वो सारा का सारा डिटेल जो है लिखा हुआ आ जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।